शेयर वीडियो। तो स्टिचिंग के ऊपर ही एक छोटा सा टिप्स शेयर करने वाली हूँ, एक्चुअली प्रैक्टिकल दिखा के मैं शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, हम शॉप में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो खुद के लिए कुछ खरीदने का प्लानिंग नहीं होता है, बट ऐसे देखते देखते कुछ ऐसा छोटा मोटा चीज़ पसंद आ जाता है जो कि अपने बजट के अंदर हो और हम ले आएँ। ऐसा कई बार होता है, 500-600 के अंदर कुछ ड्रेस मटेरियल पसंद आ जाता है तो ले आते हैं, जो कि हम सोचते हैं चलो डेली यूज़ के लिए ले जाएं। क्या है ना, चीज़ तो नया है ना, तो मन करता है उसको 4-5 बार कहीं बाहर पहन के जाए, उसके बाद हम घर में पहन लेंगे। तो ऐसा मैं तो ऐसा सोचती हूँ, पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो। उस साधारण से ड्रेस मटेरियल को भी हम कुछ इस तरह से स्टिच करवाएं कि आप बहुत स्मार्ट लुक क्रिएट कर सकते हैं उसमें, बहुत अच्छे से आप उसको बाहर भी पहन के जा सकते हैं। मैं यही ड्रेस के बारे में बात कर रही हूँ, आगे आपको डिटेल बताऊँगी। तो चलिए फिर बिना देर के शुरू करते हैं। हाँ, अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके अगर आपको मेरा और भी वीडियो देखने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ही मेरा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा और आप लोग मुझसे जुड़ के रह पाएंगे, और मैं भी आप लोगों की इंतज़ार करती रहूँगी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा सूट कपड़ा, इसका मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा, चुन्नी भी बड़ा था और कपड़ा कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, तो बजट के अंदर भी था तो मैं ले आई। कुछ ड्रेस मटेरियल्स में इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं कि अगर आप पतले हो तो लगभग 2 कुर्ती निकल जाएगा उसमें से। अगर आपका नाप चूप का थोड़ा आइडिया है तो देख के परख के टेलर को देना बिल्कुल सही है, थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिए कितना कपड़ा बचता है उसमें से और क्या आप डिजाइन ऐड कर सकते हो कपड़े के हिसाब से। तो देखिए, मैंने स्टिच करके पहन भी लिया, इसमें ज़्यादा कपड़ा था मैं पहले बता चुकी हूँ, तो उसका देखिए मैंने इसको स्लीव लेस करके ऐसे मैंने स्टिच किया उसके साथ, और चूड़ वाला पेंट बनवाया, उसमें फ्लावर प्रिंट था तो सिलवाना ही मुझे ठीक लगा। तो कितना अच्छा लग रहा है चुन्नी के साथ, ये कितना स्मार्ट लुक आ रहा है, जो कि मैंने स्लीव लेस स्टिच किया है। तो स्लीव के कपड़े के साथ और भी कुछ कपड़ा बच जाता है तो उसका मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ पर मैंने एक जैकेट बनवा लिया, तो ये एकदम कुर्ती वाला लुक आ गया आपका। इसके ऊपर अभी चुन्नी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में ही एक बहुत ही स्मार्ट लुक बन जाता है, इस जैकेट के साथ ये पूरा कुर्ती वाला लुक आ जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स, एक सिंपल सा ड्रेस मटेरियल से हम अपने लिए कितना स्टाइलिश, कितना डिजाइनर ड्रेस बना सकते हैं, इस वीडियो से शायद कुछ तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। आप अगर कुछ भी इससे आपको बेनिफिट मिला तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद का ध्यान रखिए और सबका ध्यान रखिए। ओके, बाय।